उन्नाव सफीपुर, भ्रष्ट कोटेदार के हौसले बुलंद, घोटालों से परेशान जनता में काफी आक्रोश। नगर पंचायत सफीपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जहां पर जनता का शोषण किया जा रहा है। राशन कम तौलना, समय पर राशन ना देना, ऐसी कई समस्याओं से जनता जूझ रही है। देखिए पूरी खबर सिर्फ ई क्राइम न्यूज 24 पर। पत्रकार निजामुद्दीन की खास रिपोर्ट। एडजस्टमेंट कर दिया गया है, इससे 5 किलोमीटर की दूरी तक एडजस्टमेंट किया गया है, जिससे पब्लिक परेशान है कि गल्ला वो कैसे ले, अंगूठा कहाँ लगा हुआ है, पहले अंगूठा लगाने जाए, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर जाए, फिर गल्ला लेने जाए, तो इससे पब्लिक में एक बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा हो गई है, जिसे जनमानस में हाहाकार मचा हुआ है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि उस सरकार की मंशा के अनुरूप रेजिडेंट साहब ने जो सस्पेंड किए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। शासन को दुरुस्त करने के लिए ये कार्यक्रम को किया है उन्होंने, लेकिन इसी कड़ी में वो बस्ती के अंदर ही ये राशन बंटवाएं, जिससे हर आबादी को लाभ मिल जाए, और जो सरकार की मंशा है कि 80% लोगों को गेहूँ और गल्ला मिले, वो मिले, तो वो दानियाल चोर और कार चोरों और अनाज चोरों के बीच में न बन जाए। हम लोग आज इस बात का ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे एसडीएम साहब ने जिस तरह से शासन की मंशा के अनुरूप कोटेदारों को, दानियाल चोरों को इधर से उधर किया था शासन को, और इस चीज को दुरुस्त करने के लिए हम उसके लिए आभारी हैं। लेकिन इसके बाद 5 किलोमीटर लोगों का राशन कोटेदारों को एडजस्टमेंट करना, ये लाभार्थियों के विरुद्ध है और जनमानस ताई कर रहा है बस्ती में। हम जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। मैं एसडीएम साहब से अपील करता हूँ कि ऐसी दशा में जिससे कि अंगूठे यहाँ लगवाए जा रहे हैं और गल्ला कहीं बांटा जा रहा है, और जनता परेशान है, और जनता में महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है, उनका 5 किलोमीटर आना और जाना और 35 किलोमीटर लाना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो। हम आपसे अपील करते हैं, हमारे जितने भी सभासदगण हैं, समाज सेवी जो खड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो भी अपनी बात एसडीएम साहब से रखते हैं। हमारी सरकार भाई कह रही है यहाँ पे जाया जाए, दूसरे राज्यों में जो है चल रहा है घर घर जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ना अगर घर घर जाया जाए तो कम से कम सफीपुर के बाहर ही हम लोग न जाए। सर यही जो है जिसके कोटेदार है उसका एक गोदाम है, जो दूसरा कोटेदार कैसे है उससे कह दो तुम यही बात बस भाई। उसका अब किराया है कमरे का, वो कमरे का किराया वो अपना दे। अब पीछे जाएंगे मालुआ नहरिया, अरे बीच में धूप के मालुआ वो बचाए अंगूठा लगा दे, वहाँ लगा अंगूठा लगा हुआ के गरीब महिलाएं जिनके पास भाड़ा नहीं, सरकार फ्री गल्ला देना चाहती है, लेकिन ये व्यवस्था सप्लाई इंस्पेक्टर ने या जिन लोगों ने इस तरीके से की सरकार के खिलाफ ही है बिल्कुल। सर एक बार एक इनको जो यही करवा दीजिए, कहीं भी करवा दीजिए, जो कोटेदार हैं उनके भी करवा दीजिए। बहुत लोग हैं और बात कटे, लेकिन